डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बीआर सिंह, सीजीएम डॉक्टर जगदीश सिंह, रजिस्ट्रार जीएम डीजीएम, फैकल्टी मेंबर और अन्य स्टाफ। 74th इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज से 73 वर्ष पहले 1947 में जब आज़ादी हुई थी तो हमें जो खुशी हुई थी और उसी को याद करते हुए हर साल 15 अगस्त को हम लोग ये पर्व मनाते हैं। आपके उस समय जिन लोगों ने अपनी जान दी, अपने समर्पण किया, जिसके कारण पता चले देश आज़ाद हुआ, आज उसी की आज़ादी हम लोग सब लोग मना रहे हैं। आज भी एक समस्या से केवल देश ही नहीं पूरा संसार भी उलझ रहा है, जो कि कोविड-19 या कोरोना के नाम से हम लोग जानते हैं। इससे भी हम लोगों को आज़ादी जल्दी मिले, यही हम सब कामना करते हैं। और जो इसमें जैसे कि उस पर्टिकुलर आपके आज़ादी की लड़ाई में हमारे सोल्जर्स थे, हमारे बहुत लोग लगे हुए थे, आज भी इस पर्टिकुलर लड़ाई में हमारे बहुत लोग जो कि कोरोना वॉरियर्स के नाम से हैं, हमारे सुरक्षाकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, हमारे डॉक्टर, नर्सेज और अन्य हॉस्पिटल के स्टाफ, जो कि इस पर्टिकुलर बीमारी से आपका सुरक्षा कर रहा है, आपका लड़ रहा है, और ऐसे जो विकट स्थिति में भी अपनी जो है सेवाएं सबको दे रहा है, आज उनकी भी हम लोग जो है भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं फिर से। आजादी के 73वां स्वतंत्रता दिवस के आज हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पर उपस्थित हमारे इस स्वतंत्रता दिवस की सभा के सभाध्यक्ष व निदेशक डॉक्टर मनोज मल्होत्रा जी, मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर जगदीश सिंह जी, डीन डॉक्टर धर्मेंद्र जी, महाप्रबंधक सुरेंद्र श्रीवास्तव जी, उप महाप्रबंधक प्रवीण सिंह जी, रजिस्ट्रार, उपस्थित विभागाध्यक्ष डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह जी तथा नेट से जुड़े हुए सभी शिक्षण संस्थान के शिक्षक वर्ग व छात्राएं, यहां पर उपस्थित हमारे सिक्योरिटी और अन्य कर्मचारीगण, आज का दिवस एक बहुत ही पुनीत दिवस है जिसे हर वर्ष हम लोग मनाते हैं। 73 वर्ष की आजादी का दिन पूरा हुआ, 74वां शायद हम लोग ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये आजादी हमें बहुत के सपूतों के
बलिदान के, इसलिए हमें आज के दिन उनका नमन करना, स्मरण करना बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में हम गलवान पर अभी अभी कुछ दिनों पूर्व जिन्होंने अपने भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए बलिदान दिया, उनका भी नमन करना चाहता हूं। विश्व में कोरोना जैसी महामारी, जैसे हमारे निदेशक महोदय ने कहा, पूरे विश्व के विकास गत के रथ को स्थिर कर दिया। हम कुछ भी कहें, हमारा देश, हम और पूरा विश्व, हाँ जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो जल्दी अपने को दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन एक तरीके से कहिए 10 साल पीछे हम हैं, लेकिन हमें उससे आगे बढ़ना है, इस संकट से आगे बढ़ करके संबल होकर के आगे कार्य करना है। हम एक शिक्षण संस्था के रूप में हमारे कर्तव्य बहुत आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आज देश जो है युवा संवर्ग का देश भारतवर्ष, पूरे विश्व में जितने युवा यहाँ हैं और कहीं किसी विश्व के देशों में नहीं, हमें उनके संबल को यूज उपयोग करते हुए इस देश के विकास में लगना है। हमारे विकास की कड़ी बहुत अच्छी और विश्व में हमारे नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है पूरा विश्व इसमें एक भारत की तरफ देखता रहता है, कौन सी चीजें आगे वो इसमें और बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसा है, पिछले कड़ी को मैं यहाँ याद करना चाहूंगा, जो कि हमारी इंजीनियरिंग वर्ग या कहिए हमारे स्पेस रिसर्च ने चंद्रयान को लॉन्च किया, पहला विश्व का देश है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान को वहां पर पहुंचाया। हम इसको दुर्भाग्य नहीं करते, बड़े फख्र के साथ कहते हैं चंद्रयान का लास्ट मोमेंट जो 15-7-8 मिनट का था या कुछ सेकंड का था, वो एक हमारे लैंडिंग जो है वो फोर्स लैंडिंग हो गई किसी कारणों से, लेकिन आपको बड़े फख्र से ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा सक्सेसफुल अभियान, और आज अगर गूगल के साइट, नासा के साइट से उसका विवरण निकाला गया, जो बीच में एक आया था कि 2 मिनट के बाद थोड़ा सा उसमें रे दिखने लगा था, वो आपका विक्रम लैंडिंग के बाद विक्रम बाहर निकला और कार्य, लेकिन उसको सिग्नल उसके वहीं पर टूट गए, और ये नहीं है पूरा सक्सेसफुल रहा अगर वो लैंडिंग को। ये है भारतवर्ष, भारतवर्ष के युवा, इनके जिन पर हमें फक्र है, गर्व है, और उसी कड़ी में हमारा भी यह संस्थान आगे बढ़ रहा है। हम देश की प्रगति में आज इनोवेशन और चीजें, आज अब हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बड़ी प्रसन्नता होती है, फक्र के साथ हम लोग कहते हैं इस संस्था 2008 से खुली और हम लोग पहला न्यू एक ही साल के अंदर यहाँ पर इनोवेशन का शुरू कर दिया, जबकि प्रदेश या देश में इसका केवल नाम मात्र, कुछ संस्थाएं केवल ऑफिस तैयार थे और आगे नहीं बढ़ रहा था, आज चारों तरफ इसकी विकास किया था। हम एक अग्रणी संस्था है, इसको बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, और बहुत चीजें हैं, लेकिन अब क्योंकि आज का समय हमें केवल जश्न मनाने का है, अच्छी अच्छी चीजें सोचने का है, लोगों को जोड़ने का है, तो मैं हमारी शिक्षा नीति भी बहुत ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अब केवल उनको ऐसी शिक्षा नीति प्राथमिक से शुरू की जा रही है जिसमें हमें हुनर पैदा करने की जरूरत जगह जगह पर है, उसको उनमें तत्परता से दिया जाएगा, जिसे हम आज हम नवाचार, इनोवेशन या कुछ भी कह लें, उनमें एक हुनर आएगा, कुछ करेंगे, और वो अपने जब भी वो हुनर पैदा करके कुछ कर सकते हैं वो आगे अपना करते रहेंगे। आज इसी कड़ी में हमने केवल
अपने वाणी को विराम देने का एक मूल मंत्र जो हमारे देश का पहले संस्कृत में था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा। मुझे यहाँ कहने के लिए थोड़ा सा उस पर इसलिए कहना पड़ा, कुछ चीजें उन्होंने बीच में छोड़ दिया। वो है सामर्थ्य मूलम स्वतंत्रम, श्रम मूलम च वैभवम, न्याय मूलम स्वराज्यम, स्यात् संघ मूलम। ये लास्ट वाला नो छोड़, शायद इस पर टीका टिप्पणी होगी। इसका मतलब है स्वतंत्रता की प्राप्ति और रक्षा केवल शक्ति और सामर्थ्य से होती है। अगर हम जितने सामर्थ्यवान होंगे, लोगों के विचार में बड़े शक्तिशाली दिखेंगे, हमारी देखिए योजनाएं सेना को बड़ा सशक्त किया जा रहा, दूसरे हिम्मत नहीं करेंगे। विस्तारवादी नीति पूरे विश्व को नष्ट कर रही है, उसको आगे बढ़ने में आज कोरोना भी उसी का एक पार्ट। समर्थ होने और वैभव, धन संपत्ति और स्वतंत्रता की खुशहाली जिससे पैदा होती है जब हम लोग सब सामूहिक रूप से मिलते हैं। संघ में समूह, समूह रूप में जब हम काम करते हैं तो हमें ये सामर्थ्य मिलता है, खुशहाली मिलती है, स्वतंत्रता तो अपने आप रहती है, लोग हिम्मत नहीं करते। ये इसमें बहुत तथ्य छिपे हैं, बड़े ज्ञान के तथ्य छिपे हैं, इसमें नवाचार भी छिपा है, हमारे एजुकेशन के लिए बहुत कुछ इसमें छिपा हुआ है। ये हमारी परंपरागत नीति रही है, ये हमारे पौराणिक पीरियड से रहा है, आज नहीं निकल रहा, ये शोध के बाद ये निकला हुआ हमारे जो ऋषि मुनि ने किया है। तो इसको ऐसे चीजों को आगे बढ़ाना है। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप लोगों का सभी का नेट से जुड़े हुए समस्त छात्राओं और कार्यगण, जितने हमारे अध्यापक गण हैं और भी जितने हमारे यहाँ के कर्मचारी गण हैं, उनको भी इस स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं साथ-साथ देता हूँ। और एक चिंतन का दिन है जिसमें बैठ करके वो क्या कर सकते हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, उस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।